आपका आदेश आप एकदम जीते हैं, ठीक है। नहीं नहीं हम लोग तो आप लोग यहाँ देश भर में हमें बुलाए इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और आभार प्रकट करते हैं। इस प्रकार का मैच कराते रहिए ताकि हम लोग खिलाते पिलाते रहिए और हम लोग इस प्रकार का मौका का आनंद लेते रहे और कॉलेज का टेंशन से कम दूर हो जाए। तो ये हमारी इच्छा हमेशा रहेगी, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जीएलए कॉलेज में बुलाएं और हमारे जो कैप्टन हमारे शिक्षक दिन है इस प्रकार का आयोजन करते रहे। और क्योंकि राणा प्रताप के साथ हम लोग आज पहले लास्ट में हम मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा मुलाकात हो सकता है ना हो, लेकिन इसके बाद जो भी प्रभारी चाहे बनेंगे हम लोग इस प्रकार बुलाते रहेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जरूर को खिलाते पिलाते रहेंगे और हारने और जीतने के बावजूद भी बराबर का कप देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, उक्त अवसर पर खेल के शिक्षक और कर्मचारी खिलाड़ीगण, साथ ही हमारे नामधारी कॉलेज गढ़वा से भी कुछ उत्साही कर्मचारी और खिलाड़ी लोग आए हुए हैं, साथ में जेएस कॉलेज जीएलए कॉलेज के जो दर्शक दिहा में वुमेन्स कॉलेज से भी लोग आए हुए हैं। ये एक ऐसा संदेश जनता शिवरात्रि कॉलेज के माध्यम से दिया जा रहा है कि अब सारे लोगों में खेल की भावना विकसित हो रही है। प्राचार्य ने जीएलए कॉलेज के प्राचार्य ने जरूर एक कमिटमेंट दिया है कि अब आगे भी अब हमारे यहाँ खेल होगा, अब इनकी बारी है। जेएस कॉलेज तो अपने काम कंप्लीट किया, अब जीएलए कॉलेज को बुलाने की बारी है। इसके बाद वुमेन्स कॉलेज इसी तरह से कड़ी बढ़ते रहेगी। हम चाहते हैं कि हम लोग खेल की भावना को जागृत करते हुए अपने तनाव और थकान से समय निकालकर ये खेल जरूर करें, खेलें और स्वस्थ रहें। जब आप तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा खेल के माध्यम से। इसी तरह से ये आज का कार्यक्रम जो है, सभी लोग आए हुए लोगों को मैं धन्यवाद अपने जेएस कॉलेज प्रांगण में आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जोहार। आप पुरस्कार वितरण की घोषणा की जा रही है। अब मैं जीएलए कॉलेज ये बहुत ही समरसता सौहार्द का वातावरण हम दोनों स्थानीय कॉलेजेस के टीचर्स, नॉन टीचिंग ब्रदर्स और जो हमारे छात्र हैं, ये ऐसा सुनहरा पल जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये